फाइनली हमें मिल चुका है वीवो X90 जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और ये बॉक्स बहुत ही तगड़ा लग रहा है यार, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं चलिए जल्दी से। तो ये हमारा फ़ोन, इसको अभी हम रख देंगे साइड में, ये हमने साइड में रख दिया है। उसके बाद बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। ये इसका एक और बॉक्स में से निकला चार्जर जो है टाइप सी चार्जिंग के साथ है ये, और 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ है ये, और टाइप सी है ये, इसको साइड में रख देते हैं। और ये है बॉक्स में से निकली है केबल टाइप सी, जो टाइप सी की केबल है इसमें, ये काफ़ी बेटर है और अच्छी क्वालिटी की लग रही है। और फिर अगेन बॉक्स में से बॉक्स, और ये इसकी पिन जिसमें से हम सिम ट्रे निकाल सकते हैं, जिससे हम इसको साइड में रख लेते हैं और देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या है। ओहो, ये है कवर, तो इसमें इसका आता है, ये सिलिकॉन का कवर है, ये बेसिक कवर है। मार्केट से चाहते हैं तो मार्केट से और भी अच्छे कवर मिल जाते हैं। और ये है इसकी मैनुअल बुक जो काफ़ी मोटी है, और इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये इसका सिलिकॉन कवर है, दोबारा से चेक करते हैं कि कैसी क्वालिटी का है। क्वालिटी ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम बेस अभी से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली देखने वाले हैं कि इसका लुक कैसा है। लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये लग रहा है कि हाँ यार ये प्रीमियम फ़ोन है, 70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन है ये। और ये साइड जो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन मिल जाते हैं, और ये इसका स्पीकर है, ये टाइप सी की केबल यहाँ पे आप लगा सकते हैं चार्ज करने के लिए, यहाँ से एकदम स्मूथ है। और ये बैक साइड से बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है, जी इसके लेंस यहाँ पे मिल रहे हैं, ट्रिपल फ्लैश यहाँ पे आपको मिल जाती है। और इस पर कवर लगा के देखते हैं कि जो इसके साथ कवर आ रहा है ये कैसा है। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है, लुक थोड़ी सी चुप चुकी है लेकिन बेटर है, ग्रिपिंग यहाँ पे आपको बेटर मिल जाएगी, तो फ़ोन स्लिप नहीं होगा आज से। इसको अनलॉक करके देखते हैं, डिस्प्ले काफ़ी बेटर क्वालिटी की लग रही है। कैमरा चेक कर लेते हैं इसका, एक आध फोटो भी कैप्चर करके देखते हैं। तो ये मैंने फ़ोटो कैप्चर कर दी, तो फ़ोटो बहुत ही बढ़िया क्लियर कैप्चर हुई है। इसको जूम करके देख लेते हैं तो क्वालिटी काफ़ी बेटर है फ़ोटोज़ की। ऑपरेटिंग सिस्टम में 13 मिल जाता है, 8 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज के साथ है।